Hello everyone! Welcome or welcome back to the channel, Aditya once again. So in today's video, I will be going to share some idioms. विच विल कम इन योर एग्जामिनेशन दैट इज़ बी एस सी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम क्योंकि बी एस सी नर्सिंग का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं जैसा कि अगर आप लोगों ने देखा हो अभी जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ ईडियम्स आए थे एंड अभी जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ना उसमें से एक दो ईडियम्स ऐसे हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भी पूछे गए हैं सो so, ये भी क्योंकि पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए मेरी ड्यूटी बनती कि मैं आप लोगों को ये भी प्रिपेयर कराऊँ इफ अगर मैं आप लोगों को प्रॉपरली प्रिपरेशन करवा रही हूं तो राइट तो so, अभी आज के वीडियो में हम कुछ एडियम्स देखेंगे ज्यादा नहीं टेन देखेंगे 10 -10 का एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें से आप लोगों को मैं अराउंड या हंड्रेड फ्रेजेस रिवाइज करा दूंगी तो आप लोग वीडियो के थ्रू भी अगर रिविजन कर लेते हो तो इन्हीं में से कोई ना कोई एडियम्स अगर आपका आता है तो आप लोग इजिली उसका आंसर करेक्टली टिक कर पाओगे राइट तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपसे पूछ रहा है एरियम दैट इज फेज द म्यूजिक फेज द म्यूजिक का मतलब क्या होता है ऑप्शन है लिसन टू द म्यूजिक फील सॉरी गेट फिनिश्ड और गेट रेप्रीमेंडेड रेप्रीमेंडेड मीन्स डांट फटकार लगाना सो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है तो फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है किए गए का कर भुगतान करना मतलब आपने कुछ गलत किया है उसको फिर आपको फेस करना होगा फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंस इन टाइप ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा दैट इज डी गेट रेप्रीमेंडेड यानी आपने कुछ गलत किया है और आपको डांट पड़ रही है तो आपको उसको फेस करना है दैट इज़ फेस द म्यूज़िक फिर क्वेश्चन टू है यानी सेकेंड नंबर का जो एडियम है वो है हमारा प्ले इट सेफ प्ले इट सेफ तभी इसमें लग रहा होगा प्ले इट सेफ यानी सावधानी से खेलना राइट right? तो ऐसा नहीं है ऑप्शन है प्ले फॉर प्लेजर अवॉइड रिस्क प्ले लाइट गेम्स प्ले अ गेम पीसफुली सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज अवॉइड रिस्क प्ले इट सेफ मतलब किसी भी चीज़ को बिना रिस्क के करना अवॉइड रिस्क फिर थर्ड एरिया में हमारा बैकअप बैकअप का मतलब क्या होता Option है ऑप्शन है गिव मॉरल सपोर्ट पुल बैक फ्रॉम बैक बेंचर स्टे बिहाइंड तो बैकअप मीन्स होता है टू गिव मोरल सपोर्ट हम बोलते हैं ना बैकअप ले लिया क्या तो बैकअप इन द सेंस सपोर्ट के लिए इन फ्यूचर आपको वो काम आता है सो टू गिव मोरल सपोर्ट इज़ नोन एज बैकअप देन फोर्थ इडियम है प्लेन स्पीकिंग प्लेन स्पीकिंग का मतलब क्या होता है ऑप्शनस हैं रिवीलिंग द सीक्रेट सीक्रेट को रिवील करना स्पिलिंग द बीन्स टेलिंग नॉन सेंस और टेलिंग द ट्रुथ तो प्लेन स्पीकिंग का मतलब होता है टेलिंग द ट्रुथ नॉर्मली अपन बोलते हैं ना दैट फै फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब ट्रुथ बोलना जो भी सच है उसको बोलना देट इज़ वी कॉल्ड प्लेन स्पीकिंग फिर नेक्स्ट एरिया में बी टू द फोर्थ सो द ऑप्शन आर बी प्रोमिनेंट टू टेक द लीड टू द ब्रेम प्री एप्रीहेंशन सो द करेक्ट आंसर इज बी प्रमिनेंट फिर सिक्स नंबर का एरिया में हमारा अ पर्पल वेट पर्पल वेट का मीन्स क्या होता है सो द ऑप्शन आर

तो so, अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला था कि मैं कुछ इडियम्स ऐसे आप लोगों को बताऊंगी जो 2022 में आ चुके हैं सो दिस इज़ वन ऑफ दैम ये इडियम पूछा गया था 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन था टू बीट अबाउट द बस। आपके ऑप्शन थे टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट टू बूस्ट अबाउट वन सेल्फ टू एन इनोसेंट पर्सन और नन ऑफ दीज सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज़ टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट यानी मुद्दे पर आने से भटकना मुद्दे पे ना आना हम इसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश दैन ऐट नंबर है टू बी एट द जनिथ ऑफ ऑप्शन है बी एट द पीक ऑफ फेस डिफिकल्टी बोल्डली टू डाई एन इमेच्योर डेथ टू बी स्कम्ड टू वंस फ्लैटरी सो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज़ बी एट द पीक ऑफ पीक पे जाना यानी टू बी एट द जेनेथ ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा ए दैट इज बी एट द पीक ऑफ फिर नेक्स्ट इडियम में हमारा टू कीप वंस टेम्पर्स ये वाला इडियम भी पूछा गया था सेम 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन था टू कीप वंस टेम्पर आपका इडियम दिया हो गया था और आपसे इसका मीनिंग पूछा था इसी तरह के चार ऑप्शन दिए गए थे सो द ऑप्शन आर टू बी अलूफ प्रूफ टू प्रिजर्व वंस एनर्जी टू बिकम एंग्री टू बी इन अ गुड मूड सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी दैट इज टू बी इन अ गुड मूड किसी के टेम्पर को बर्दाश्त करना यानी किसी के गुस्से को झेलना that मीन्स ऑब्वियसली टू बी इन अ गुड मूड फिर लास्ट बट नॉट द लीज फॉर टूडेज वी जो लास्ट हमारा है इडियम दैट इज टू पिक होल्स ऑप्शंस हैं टू क्रिटिसाइज सम वन टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम टू डिस्ट्रॉय समथिंग टू फाइंड सम रीजन टू फाइट सो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज टू क्रिटिसाइज सम वन किसी की आलोचना करना दैट इज वी रिकॉल्ड टू पिक होल्स ओके सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ idioms आज लर्न करने को मिले एंड इसके आगे भी मैं इसी तरह की सीरीज लाती रहूंगी जो भी और नेक्स्ट इसके idioms एंड phrases होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो होप यू ऑल लाइक इट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दिस द न्यू वेव टर्न इट अप आई एम इन द बैक सीट चिलिंग विद योर गर्ल व्हाट्स अप यू वांट टू टॉक ऑल डे बट आई एम नॉट इन द मूड आई एम ट्राइंग टू डांस ऑल नाइट आई गॉट सम टू डू आई मेक हिस फॉर द पीपल एट होम इन द रूम्स लुकिंग फॉर अ रीजन टू गेट आउट Found me on the internet, just making some moves. Now I'm going up, CNN, I'm the news. She gonna shake, shake, shake like a bottle she popped that, I'm off that.